गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी योर पैमेला। आप लोग को लग रहा है कि मैं आज क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ गणपति का तैयारी। तो पिछले साल जो भी पैकिंग करके रखी थी और वो सब निकल रही हूँ क्योंकि अभी गणपति आ चुका है। तो आप देख सकते हो घर साफ सफाई से लेके आज से स्टार्ट किया हो। सो ये रहा सब गणपति का सामान जिसको अच्छे से सब प्रिपेयर करना पड़ेगा। और पिछले साल तो मेरे साथ कोई नहीं था, अभी इस साल मेरी सिस्टर आ चुकी है और ये अक्षता दीदी भी। अक्षता दीदी को दिखा दो, अक्षता दीदी हाय कर दो। तो अक्षता दीदी भी अभी इस साल मेरे साथ हेल्प करने वाली है। सो दीदी ये सब आपको अच्छे से चकाचक करना है गणपति के लिए, ये आप ले लो। आज इसको चकाचक करना है। So, देखते हैं और क्या क्या घर साफ सफाई होगा। लेट्स गो। सो गाइस मैं कुछ दिन पहले ये शॉप किया था, तो ये जे ट्री है, बहुत ही लकी ट्री है। सो ये ट्री आप लोग भी आपके घर पे लगा सकते हो, बहुत लकी है। यहाँ पे हिबिस्कस है, स्नेक ट्री है, तुलसी और ये गुलाब का, ये भी फ्लावर है। और यहाँ पे एलोवेरा भी है। सो ये एलोवेरा तुरंत मैं काट के अपने स्किन पे यूज कर लेती हूँ। और यहाँ पे और भी बहुत सारे, एक कड़ी पत्ता भी है। तो ये बैल्कनी हो गया। सो गाइस आप लोगों को पता है कि हम लोग बंगाली है और नॉन वेजिटेरियन है, तो जब गणपति आता है उसके बहुत मतलब 3-4 दिन पहले से हम लोग नॉन वेज खाना छोड़ देते। तो पूरा वेज के लिए एक अलग बर्तन का मैंने पूरा अरेंज किया है, आप देख सकते हो। ये जितना भी बर्तन है अभी, ये सारे पूरा वेज का बर्तन है। मैं अभी किचन से पूरा नॉन वेज का जितना भी बर्तन है सब अलग कर दूंगी और ये सारे वेज का बर्तन अभी रखूंगी। और ये है गणपति का पाटला, अभी देखती हूँ कौन सा साइज फिट करेगा। तो ये बहुत सारे पाटला है, सबको अभी साफ करना है। तो गणपति का आगे बहुत प्रिपरेशन है और पहले तो घर में सब साफ सफाई और मतलब डस्टिंग चालू है, तो देखते हैं कितना हद तक हम कर सकते हैं। अभी घर बहुत ज्यादा मेसी है, सो यही घर को कैसे हम लोग पूजा करेंगे और कितना अच्छा डेकोरेशन करेंगे अभी का और बाद का आप लोग को पता चलेगा। तो अभी ये बारिश है तो इसीलिए इसमें कपड़ा सुखाते हैं, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। तो इसको हम हटा देंगे और हम इसको भी हटा देंगे। गणपति ये साइड बैठेंगे क्योंकि ये ईशान कोण है, तो पिछले साल से यही साइड पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। और ये वॉल पे अभी हम वॉलपेपर भी लगा चुके हैं। सो अभी देख रहे हो कि दीदी घर साफ कर रही है और ये जितना भी है इस साइड पे सब दीदी ने कल मतलब कल से साफ सफाई स्टार्ट कर दिया है। ये देखो सारा सामान लेके जा रही है। ये देखो कितना चकाचक हो गया मेरा बर्तन। ये देखो दीदी ये बर्तन किस चीज से धो रहे हो, कितना पीताम्बर से धो रही हूँ। हाँ तो आप लोग भी देख लो और जान लो, जो लोग जानते हैं वो लोग और नहीं जानते वो लोग भी, ये पीतम्बरी है। पीतम्बरी से ऐसे हाँ। पीतम्बरी से अच्छा निकलता है। हाँ ऐसे निकलता है मतलब अच्छा हो जाता है। ये है पीतम्बरी का पैकेट। सो गाइस थोड़ा बहुत काम हुआ है और मैं थक चुकी हूँ अभी क्योंकि मैं डांस क्लास से आई। सो अभी मैं खाऊंगी तालेर बोरा, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में मुझे नहीं पता है, पर हम लोग बंगाली लोग जन्माष्टमी में ये तालेर बड़ा कृष्ण भगवान को चढ़ाते हैं और हम लोग खुद खाते हैं। तो मम्मी ने ये भेजी है, मेरी सिस्टर आई है कोलकाता से और सब टेस्ट करके थोड़ा खा रहे थे। अब लोग एक चीज़ और दिखाते हैं, ये 2 डब्बा भेजा था ठीक है, कल जा तक ये डब्बा पूरा ख़त्म और ये डब्बा जस्ट अभी हाथ पर है। सोच सकते हो कितना टेस्ट है, यम्मी। साथ में थोड़ा जूस, उसके बाद एनर्जी मिल जाएगी और थोड़ा काम करेगी। ये बर्तन धो लिया, अभी इसको अच्छे से साफ करके
प्लेस में भोग चढ़ेगा, आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए भोग बनाने का बड़ा वाला बर्तन, इसमें मीठा चावल बनती है, मैं बनाऊँ और मैं कोशिश करूँगी जब मैं भोग बनाऊँगी तभी भी थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ। सो गाइज अभी देखो हम लोग पूजा के सामान खरीदने जा रहे हैं और बारिश गिर रही है तो बारिश में भी हम लोग का शॉपिंग चालू है। तो देखिए अभी वहाँ पे देखिए अभी आ चुके हैं हम लोग, आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या हम लोग शॉपिंग करेंगे। अभी बर्तन के शॉप में आए हैं क्योंकि कुछ कुछ वेज का बर्तन चाहिए था, तो ये सारे खाना गर्म करने के लिए की जो बनाऊंगी उसके लिए, और ये कढ़ाई फ्राई करने के लिए लिया है, और लिया है एक एक्सटेंशन बोर्ड जो कि बहुत ज़रूरी है। सभी इन शॉप में याद करें और क्या क्या लेना है, ठीक से याद नहीं आ रहा है और वापस आना बहुत इम्पॉसिबल है। और क्या हम लोग अभी लोखंड वाला में है, तो लोखंड वाला में हम लोग पूजा का सामान लेने आए हैं और जितना भी पंडित जी लिस्ट दे दिया है तो लिस्ट के हिसाब से हम लोग सामान लेंगे। बारिश में हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे सामान मिल गया पर आम की लकड़ी नहीं मिला, वो हम लोग कल ले लेंगे। सो गाइज पूरे दिन काम करने के बाद अभी फाइनली हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आ चुके हैं, तो अभी गणपति का जितना भी भोग बनेगा, घी भी अच्छा कंपनी का दे दीजिए। सो गाइज दाल में बहुत कंफ्यूजन था, ये दाल खिचड़ी बनाएंगे हम लोग गणपति का भोग के लिए, तो मम्मी नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग कि क्या क्या लेंगे, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। शुगर चाहिए ना? हाँ शक्कर 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 भी एक किलो दे दीजिए और मिल्क मेड भी एक। हाँ वो मीठा चावल बनता है, वो राइस दिखाइए और गोविंद भोग दिखाइए और दूसरा कौन सा दाल बोला था, मटर दाल बोला था। सो लिस्ट नहीं बनाए थे तो फाइनली याद कर करके हम लोग सब कुछ लिया है, फिर भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा और उसके बाद सब ऑनलाइन ऑनलाइन करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद हम लोग को शॉपिंग करने का टाइम नहीं है। सो गाइस बारिश हो रही है देखो, और बारिश में हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुका है फाइनली, अब चलो थोड़ा सा घूमने निकलो। सो गाइस बारिश के टाइम पे हम लोग शॉपिंग किया और पूरे दिन सब काम हम करके थक चुकी हूँ, फिर भी अभी छोटा सा ड्राइव लेंगे हम लोग और बारिश में बहुत मजा आ रहा है, शायद चाय वाय भी पियेंगे, थक चुके हैं बहुत ज्यादा। सो अभी ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि बहुत सारी तैयारी और भी बाकी है, थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर किया, शायद इसके बाद डायरेक्ट गणपति में ही मिलेंगे। सो विश मी कि मेरा गणपति इस साल का बहुत अच्छा जाए, इतना एक्साइटमेंट जो मेरा है बप्पा का आशीर्वाद से, मतलब पूरे ब्लॉग जो है बहुत अच्छा बने और पूरा पूजा भी मैं दिखा सकूँ आप लोगों को। सो गाइज प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, बाय।